नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर जिले के थाना सौजना का मामला, जहां शिकायत करने गए फरियादी को लगातार दो दिन तक टरकाया, फिर फरियादी सहित उसके तीन अन्य साथियों को थाने में बैठाया, जिसको लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने देर रात जिले के न्यायप्रिय कप्तान को ये सब वाक्या सुनाया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ललितपुर जिले के थाना सौजना अंतर्गत जगारा गाँव का है, जहाँ एक पेट्रोल पंप पर बरसों से काम करते चले आ रहे मुनीम द्वारा लगातार एक हफ्ते तक पेट्रोल पंप पर आने वाले पैसे को अपने पास रखता गया था। पेट्रोल पंप के मालिक को उधारी का हवाला देता रहा। सातवें दिन जब पेट्रोल पंप का 15 लाख उधार तक पहुंच गया तो वह घबरा गए और तुरंत पेट्रोल पंप पहुंचे, जहाँ से मुनीम गायब था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना सौजना पहुंचकर करनी चाहिए, लेकिन वहां की थाना अध्यक्ष मैडम साहिबा ने अपनी व्यस्तता और टरकाने के उद्देश्य से FIR कल लिखने की बात कहकर चलता उन्हें बना दिया। अगले दिन फिर वह अपने चार साथियों सहित फिर थाने पहुंचे तो छोटे दरोगा साहब फरियादी को थाने में बैठाने की जगह और उनकी FIR लिखने की जगह अपनी पेट्रोल पंप ले गए, जहां 5 लीटर के एक प्लास्टिक के कुप्पा में पेट्रोल दे रहे कर्मचारी सहित एक और अन्य कर्मचारियों को भी सीधा थाने उठा लाए और छोटे दरोगा साहब उल्टा पीड़ित पर भड़क उठे और काफी गाली गलौज करने लगे, जिसका वीडियो उनके साथ मौजूद एक अन्य साथी ने बना लिया, जिससे गुस्सा आए छोटे दरोगा जी ने पहले तो उनका मोबाइल तोड़कर तालों से कुचल दिया और फिर गालियों की फिर से बौछार कर दी। लगातार छोटे दरोगा की गालियों से तंग पीड़ित ने भी कुछ अनगल शब्द छोटे दरोगा के खिलाफ कह दिए, जिसकी एक सिपाही ने वीडियो तो बना ली लेकिन फरियादियों में उनके मोबाइल को तोड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटा पाई। इसके बाद चार लोगों को पुलिस ने थाने में बैठा लिया और इस वीडियो को एडिट करके केवल फरियादियों का गुस्सा और अव्यवहार का वीडियो जिले के न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भेज दिया। जब इस घटना की जानकारी व्यापार मंडल के पदाधिकारी को लगी तो वह सभी इकट्ठा होकर जिले के न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे और अपनी बात रखी। इसके बाद कप्तान साहब ने पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए छोटा सा एडिट कर हुआ वीडियो व्यापारियों को दिखाया तो व्यापारियों ने भी कहा आप पूरा वीडियो मंगा लीजिए, उसमें आप स्वयं देख लें अभद्रता किसने पहले की थी और घटनाक्रम क्या है। आप जिले के न्यायप्रिय अधिकारी हैं, हमें आपसे न्याय को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, और अपनी बात रखकर वहां से सभी व्यापारी चले गए। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर थाना सौजना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं, जिसकी पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष जाँच मैरोनी थाना क्षेत्र अधिकारी से करा कर दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे जिले के न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक की व्यापारियों और जनता के प्रति विश्वास बढ़ता रहे ना कि कम हो। लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं कप्तान बंगले के बाहर, जहां पर कुछ पाली से व्यापारी आए हैं। आखिर क्या है उनकी समस्याएं, हम उनसे पूछते हैं। मेरा नाम जय कुमार जैन रसिया, जिला उद्योग व्यापार मंडल, जिला मंत्री। महोदय, हमारे व्यापारी के साथ जो घटना हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पाली के व्यापारी भाई अतुल कुमार अनुराग जैन पाली में व्यापार करते हैं, जो पाली से जाकर के सौजना थाने पर जुगपुरा में जगारा में एक पेट्रोल पंप संचालित करते हैं। उस पेट्रोल पंप में उनके मुनीम ने लगभग 10 से 15 लाख रुपए का गबन कर दिया। ये कितने दिन पहले की घटना? ये 7 दिन पहले की, 6 से 7 दिन पहले की। 7 दिन होने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी थाना सोचना? नहीं सर, क्या हुआ, ये 6-7 दिन मुनीम के बीच बात चलती रही, तब मुनीम बोला मैं 20 तारीख को पैसा आपको दे दूंगा। कल जब वहाँ पहुँचे तो मुनीम साहब खुद गायब थे। जब मुनीम साहब गायब मिले तो हम लोगों ने, हमारे व्यापारियों ने थाना में जा करके शरण ली और अपने न्याय मांगने के लिए थाने पहुँचे। वहाँ माननीय थाना अध्यक्ष जी से बात हुई और एक छोटे दरोगा जी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी FIR आज नहीं कल लिखी जाएगी। तो हमारे व्यापारियों ने कहा भाई कल क्यों लिखी जाएगी, बोले भाई आज हमको टाइम नहीं है, कल लिख लेंगे। देखिए, हमारे व्यापारी की FIR नहीं लिखी गई और हमारे व्यापारी आज पाली आ गए थे। आज सुबह जब हमारे व्यापारी पहुँचे तो उसके पहले का नज़ारा क्या हुआ कि थाना से जीप पहुंची, वहां के छोटे दरोगा सिम मंगल सिंह अपने फोर्स के साथ पेट्रोल पंप पहुंचे। वहां पे उनके कर्मचारी कुफिया में पेट्रोल दे रहे होंगे तो उनको गिरफ्तार करके यहां पर लाए, थाने लाए, उनको बंद कर दिया। इसके बाद हमारे
व्यापारी जब अपनी बात रखी कि भाई वो मेरी FIR कर दो, मेरा ये गबन हुआ है, तो उनकी वो बात नहीं सुनी गई और उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया। किसने किया है अभद्रता का व्यवहार? शिव मंगल सिंह ने, उनका जो वहाँ पर SI है। SI है। अब सुना है गाली गलौज भी की गई आप लोगों के साथ। जी, जब उन्होंने हमारी FIR लेने से इनकार कर दिया तो हमारे भाइयों ने कहा, व्यापारियों ने कहा कि आप नहीं लेते हो तो मैं आगे जा करके SP साहब के लिए अपनी बात रखूँगा, वहाँ जा करके अपनी बात सुनाऊँगा। तो वहाँ पर फिर जो SI थे उन्होंने गाली दे करके उनसे बोला कि जाओ, तुम्हें जहाँ देख जाना हो जहाँ चले जाओ और तुम्हें जो करना हो कर लो, गाली देते हुए, माँ बहन की गाली देते हुए कहा। उसके पलटे में मेरे व्यापारी ने भी उनके साथ जवाब दे दिया। इसके बाद जब उनको वहाँ बैठा दिया गया तो हमारे पाली के व्यापारियों को जानकारी हुई तो हमारे समस्त व्यापारी यहाँ से 100 से 50, 50 से 100 व्यापारी साथ एक साथ एकत्र होकर के माननीय SP महोदय के पास आए, वहाँ पर अपनी बात रखी। तो SP महोदय ने भी हम लोगों को, व्यापारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारे व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि हमारे व्यापारियों को न्याय नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे समस्त पाली के व्यापारी अपना व्यापार बंद करके रोड पर धरना धरेंगे और हमारे व्यापारी को न्याय दिलाकर रहेंगे। यदि पाली में हमारा न्याय नहीं मिलता है तो हम जिला मुख्यालय में आकर के अपने जिला के पदाधिकारियों सहित यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन रखेंगे, अपने व्यापारी को न्याय दिलाएंगे। यदि यहाँ पर ही नहीं सुनवाई होती है तो मैं उद्योग व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय कंचल जी, मैं कंचल जी से भी संपर्क में हूँ और कंचल जी से बात करके कि मैं इस आवाज़ को लखनऊ तक उठाऊँगा और हमारे व्यापारी को न्याय मिलना चाहिए। इसी बात के लिए मेरे सारे व्यापारी उत्साहित हैं। वैसे तो लोकप्रिय न्यायपीय जिलाधिकारी हैं, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा? भाई मुझे तो लगता है कि वैसे हम लोगों ने सुना है कि हमारे लोकप्रिय SP साहब के जो न्याय यहाँ पर दे रहे हैं और उनसे हमारी क्षेत्रीय जनता खुश है, लेकिन आज हमने जो देखा है क्या थाना सोचने का, जो पीड़ित है वही थाने में बंद है, यही कहना है कि और जो हमारा व्यापारी है रसिया परवार, वो इतने सुलझे हुए अपना जो व्यापार करते हैं, बहुत सुलझे ईमानदारी से अपना व्यापार करते रहते हैं, निरंतर व्यापार में अपना कार्य चलाते रहते हैं, किसी को किसी प्रकार की उनसे किसी को भी कोई कभी कष्ट नहीं होता। अच्छा, ये 7 दिन पहले की घटना है, फिर इतना लेट आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया और दर्ज नहीं करा, क्या कारण रहा इसके पीछे? क्या है, हमारे व्यापारी वीडियो बना रहे थे, उनके साथ उनका भतीजा था, वो वीडियो बना रहे थे, तो एक SI जो महोदय थे उन्होंने देखा कि वीडियो बना रहे तो उन्होंने जल्दी से उनका वीडियो झपटा और इनको धक्का दिया, वीडियो झटक करके वीडियो हमारे मोबाइल को धरती से मार दिया और लात से उसको कुचल दिया। जो सारे सबूत थे मेरे पास, हमारे व्यापारी का कहना है कि जो मेरे पास जो सबूत थे इन्होंने उस मोबाइल को तोड़ फोड़ के फेंक दिया और इन्होंने अपना वीडियो बनाया। जो ये अपना वीडियो बना रहे हैं तो इनमें उसमें कट करके व्यापारी को दोषी दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, गलती दोनों पक्षों से हुई है। हमें जब न्याय नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि पीड़ित बहस करेगा और वो भी पुलिस हो चाहे, क्योंकि आप लोगों ने मारपीट तो की नहीं, बहस ही की, बहस में गाली मिली, तो एक गाली का नतीजा मानते हैं आप? जी, ये गालियां जो मिली हैं ये अच्छी बात नहीं है और हमारे व्यापारी के साथ अन्याय हुआ है और हमारे व्यापारी को न्याय मिलना चाहिए। एक बार मैं पुनः कहता हूँ, यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम समस्त व्यापारी रोड पर आकर के आंदोलन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। हम लोग तो सिर्फ माननीय SP महोदय के पास न्याय मांगने के आए थे और उन्होंने कहा है कि आपके लिए जो उचित होगा आपको न्याय दिला दिया जाएगा और पुलिस वालों की जो गलती होगी उसको भी जो है दंड दिया जाएगा। अब देखते हैं कि SP महोदय क्या कर रहा है। हम लोग पाली के निवासी हैं और हमारे यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थान है रसिया परिवार, उनका एक व्यापारिक उपक्रम मेहरौनी तहसील अंतर्गत थाना सोजना के ग्राम जगारा में, वहाँ उनके एक कर्मचारी के द्वारा पैसे के लेन देन में कुछ गड़बड़ी की गई और वो कुछ पैसा लेकर के वहाँ से फरार हो गया। हमारे यहाँ के व्यापारी सोजना थाने में कल जो है जाकर के उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देने का प्रयास किया तो उनसे कह दिया गया कि हम पहले इंस्पेक्ट करेंगे, आप कल आना। इस बीच में उनके व्यापारिक संस्थान पेट्रोल पंप पे जो भी इंसिडेंट हुआ हो वहाँ से 2 कर्मचारियों को पुलिस ने आज सुबह अरेस्ट किया और वो ले आए सोजना थाने में। हालांकि ये कोई मेन इशू नहीं था, हमारे यहाँ के व्यापारी
उस गबन वाले मामले के लिए, उस पैसे की गड़बड़ी वाले मामले के लिए तहरीर देने के लिए आज सौजना थाने में गए थे और वहाँ उनसे एप्लीकेशन लेने की जगह जो वहाँ के सेकंड अफसर हैं, वहाँ के SHO से तो आज शायद भेंट नहीं हुई उस समय तक, तो वहाँ के जो सेकंड अफसर हैं उन्होंने अभद्रता की और गलत तरीके से वार्तालाप किया। जब बहुत देर तक उन्होंने कुछ ना कुछ अभद्रता की तो हमारे व्यापारी की ओर से भी उन्हें प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ उनसे कहा गया, तो इस मामले को तूल दे करके जो गबन वाला मामला था उसको उन्होंने नीचे दबा दिया और दोनों व्यापारियों को अभी भी सौजना थाने में बिठाए हुए हैं कि इन्होंने हमारे पुलिस वाले के साथ अभद्रता की है। हम लोगों ने आकर के SP साहब को इस बात का निवेदन किया कि हो सकता है कोई ना कोई हॉट टॉक हुआ हो, लेकिन मानवता के नाते आप हमारे यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित वो व्यापारी परिवार है और आज तक हमारे नगर क्षेत्र में इतने वर्षों से वो व्यापार कर रहे हैं, कभी कोई इस प्रकार का इंसिडेंट या घटना नहीं हुई है। तो हम लोगों ने ये निवेदन किया कि आप जो है हमारे व्यापारियों को तत्काल प्रभाव से आप वहाँ से रिलीज करा दीजिए, जो भी लीगल एक्शन होगा वो उसको बाद में भी आप परसू करा सकते हैं। हमें नहीं लग रहा है कि इस बात पर उतनी ज़्यादा तरजीह दी गई है। हम लोगों को यह कहते हुए जो है वहाँ से वापस भेजा गया है कि हम आपके व्यापारी पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे और यदि पुलिस के विरुद्ध कोई बातचीत हम पाते हैं जांच में तो हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। और हमें नहीं लग रहा है कि ये जो है कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर है। इस घटना को बहुत आसानी से और बहुत शानदार तरीके से जो है समेटा जा सकता था। दोनों से अगर कोई बातचीत हुई भी थी तो एक दूसरे से प्रेम व्यवहार के साथ कह सकते थे चलो भाई सॉरी कोई बात नहीं, लेकिन इस घटना को अनावश्यक रूप से हमारे व्यापारी को दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच से बिठाए हुए हैं और मुझे लग रहा है 9:30-10 बजने को आए हैं। लगभग जो है 5, 5.5-6 घंटे से उसको वहाँ थाने में रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है और उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार वहाँ हो रहा होगा ये हम अभी बता नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।